जल्द ही भारत के आसमान में गरजेंगी राफेल, तेजस, सुखोई, जगुआर, मिराज, मिग, प्रचंड, ध्रुव और युद्धक ड्रोन जैसी वॉर मशीनें और दुनिया देखेगी हमारी गगन शक्ति। नमस्कार, उदयन डेयरी से स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय सशस्त्र बल जल्द ही 10 दिन का विराट सैन्य अभ्यास शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है गगन शक्ति, जो कि राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में शुरू होने वाला है। इसकी खास बात यह है कि इसमें देश के अलग अलग वायुसैनिक अड्डों यानी कि गुजरात के भुज, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के से लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे और राजस्थान के आसमान में जाकर अपने दमखम की परीक्षा देंगे। ये सभी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन थार के मरुस्थल में बनाए हुए टारगेट्स को ध्वस्त करेंगे। इस विशाल युद्ध अभ्यास के दौरान एयर सपोर्ट नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली, अटैक तथा काउंटर अटैक के साथ साथ आर्मी और नेवी के साथ मिलकर शत्रु का सामना करने की वायुसेना की क्षमता का अभ्यास किया जाएगा, जो कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक पूरे 10 दिन तक चलता रहेगा। गगन शक्ति में भारतीय सेना और भारतीय नौसेना एक साथ मिलकर एकीकृत युद्ध लड़ने की रणनीति का परीक्षण करने के लिए लगभग पूरे हवाई बेड़े को उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक सक्रिय कर दिया जाएगा। पिछला गगन शक्ति सैन्य अभ्यास साल 2018 में किया गया था, जिसके बाद इस साल ये अभ्यास ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लेकिन तब से अब तक भारतीय वायुसेना में कई बदलाव हुए हैं, जैसे कि हमारे लड़ाकू विमानों के बेड़े में फ्रांसी लड़ाकू जेट राफेल, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और C-295 जैसे विमान जुड़ गए हैं। इसके अलावा तेजस जैसे विमानों का स्क्वाड्रन बढ़ गया है। सुखोई से विमान ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई गई हैं। राफेल में भी हवा से हवा मार करने वाली उन्नत BVRAAM मिसाइलें अटैच की गई हैं। इसके साथ ही रूस से लाई गई मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली S-400 की भी जाँच की जाएगी। साल 2018 में हुआ गगन शक्ति सैन्य अभ्यास 13 दिनों तक चला था। इस बार यह अभ्यास 10 दिनों तक चलेगा, लेकिन पिछली बार 13 दिन तक चला था। इसमें 1,150 विमानों ने 11,000 उड़ानें भरी थी। उस दौरान इंडियन एयरफोर्स ने सभी इलाकों के ऑपरेशनों को कवर किया था। इसमें रेगिस्तान में युद्धाभ्यास, उच्च ऊंचाई, समुद्री और विशेष ऑपरेशन जैसे अभ्यास शामिल थे। इसके अलावा विशेष ध्यान हवाई युद्ध, हवा से सतह पर युद्ध, बैटरों पर हमले और घायल सैनिकों को युद्ध के मैदान से बाहर निकालने पर जोर दिया गया था। यह पिछली बार हुआ था। पिछली बार भारतीय सेनाओं ने चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर जंग का अभ्यास किया था और इस बार तीनों सेनाओं के तालमेल पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस बार का गगन शक्ति सैन्य अभ्यास इंटीग्रेटेड कमांड थिएटर की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभ्यास साबित होने वाला है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं के खिलाफ सफल अभियान का संचालन किया था, जिसमें भारतीय नौसेना और वायुसेना सेना के बीच जबरदस्त तालमेल देखा गया था। गगन शक्ति अभ्यास से ठीक पहले भारतीय नौसेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक साथ 11 पनडुब्बियों को ऑपरेशनल ड्यूटी पर तैनात किया है। साल 1990 के बाद भारत द्वारा उठाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। भारत के पास फिलहाल 16 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, जिसमें से 5 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं, जिसे फ्रांस से हासिल किया गया है, जबकि 4 HDW पनडुब्बियां हैं जो कि जर्मन मेक हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना 7 किलो क्लास पनडुब्बियों का इस्तेमाल करती है, जो कि रूस निर्मित है। साथ ही एक और स्कॉर्पियन श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी कमिश्निंग की प्रतीक्षा में है, जिसे मिलाकर भारतीय नौसेना के पास 17 पारंपरिक पनडुब्बियां हो जाएंगी। उदय इंडिया रक्षा संबंधित मामलों पर विशेष दृष्टि रखता है, विशेष नज़र रखता है और डिफेंस संबंधित हर न्यूज़ हम आपके लिए इसी तरह से लाते रहेंगे। इसे जानने के लिए आप उदय इंडिया जैसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।